लेने के लिए भेज देते हैं और फिर तो गाइस आज एक सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं। चलो फिर जल्दी से वापस आते हैं। किसी की मुस्कुराहटों से हो निशान, किसी का दर्द में सके तुले उड़ान, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। चल रहा है कोई नहीं है टक्कर में भाई के। गाइस आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है। आज के व्लॉग में हम थोड़ी रियलिस्टिक बातें करेंगे, थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच करेंगे बातों में, है ना। थोड़ी दिल की बातें करेंगे एंड थोड़ा नॉर्मल डे करेंगे, है ना। मेरी आवाज से पहचान सकते हो कि यू नो आई हैव बीन सिक फॉर यू नो 2-3 डेज, बट या नाउ एवरीथिंग इज फाइन। ओ माई गॉड, ये इंग्लिश मैंने सच में प्रिपेयर नहीं करी थी, ये अभी अभी निकली है मुंह से। यही है जिंदगी। तो इन्हीं प्यार भरे विचारों के साथ शुरू करते हैं अपनी सबसे प्यारी चीज। मैंने लड़की पटा ली। छी बे, तुझसे कोई नहीं पटती। भाई तेरे को मैं बचपन से जानती हूँ, तू तो लड़के से भी बात ना कर पाए, लड़की तो दूर की बात है। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just लाइफ बेस्ती करा ली। तो अभी हम करने जा रहे हैं। गाइज आपको मैं कुछ रीसेंट दुख के बारे में बता दूं। गाइज
मैं मोटा हो रहा हूँ गाइस, मैं मोटा हो रहा हूँ। तो शर्म की बात है, बंदा जिम जाता है एंड मोटा हो रहा है, और ये तो गलत दिशा में जा रहा हूँ मैं। लाइफ बहुत अजीब है। पहले मैं मतलब इतना सा था, मैं पहले इतना पतला सा था। जब सड़क पे चलता था तब मुझे एक सिक्का जेब में डाल के चलना पड़ता था, ताकि क्या पता हवा चल जाए और मैं उड़ जाऊँ। पहले मैं बहुत उदास रहता था, पहले लड़कियाँ मुझे देख के भाग जाती थी, पहले स्कूल में मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता था, मुझे अनेक नामों से पुकारा जाता था। बट फिर मैं गया जिम। जिम जाने के बाद यू नो मेरी लाइफ अच्छी तो हुई, बट कुछ टाइम बाद मैं मोटा हो गया। दाखट के पहले मैं बहुत पतला था, यू नो आप देख सकते हो, देखो कितना पतला था मैं, ये देख रहे हो शक्ल, देख रहे हो लौंडे की, ये इस पे सारी लड़कियां फिदा थी। सोच सकते हो, यू नो ऐसी बॉडी थी हमारी। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और फिर मैं कुछ ज्यादा ही यू नो मोटा हो गया, मेरा पेट निकल गया यार। हैंडसम तो मैं अभी भी लग ही रहा हूँ ना, देखो हैंडसम तो छोड़ो छोड़ो, मैं थोड़ा यू नो न्यूट्रल उसमें आ रहा हूँ कि ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, अब मैं थोड़ा ठीक हो रहा हूँ। एंड आजकल यू नो मैं कुछ कोर्स की एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, तो कुछ पैक्स वैक्स आ जाए तो यू नो हम बुरा नहीं मानेंगे। तो यही चल रहा है ज़िंदगी में। यू नो गाइस, कभी कभी मन करता है पागल हो के नाचो और नाच के पागल हो जाओ, जहाँ दिखे खटिया तान के सो जाओ। अभी बहुत ज़्यादा यू नो नींद आती है एंड हम नींद में मदहोश हो जाते हैं, बट क्या करें जिंदगी लगता है चला गया। तो ये मैंने कुछ बायो के नोट्स बनाए थे, बहुत शॉर्ट्स में बनाए, शॉर्ट्स मीनू बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए हुए मैंने। जो लोग कहते हैं कि भैया एनसीईआरटी में ही तो नोट्स बना दो यार, ये क्या फालतू के नोट्स बन रहे हैं, छी 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 छी, हमें पसंद नहीं है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, भाई यू नो आपने मेरी बायो की भी बुक देखी कहा है, मैंने आपको दिखाई है एनसीईआरटी बहुत बार यार, वहाँ उसको मैंने नोट्स बना बना के उसको खच्चर कर दिया है। यू नो आप देख सकते हैं आज तक लड़कियों ने मेरे दिल के इतने टुकड़े नहीं करे जितने टुकड़ों में यू नो ये एनसीईआरटी हो चुकी है। देखिए गाइज, यू नो वैसे तो ठीक ठाक ही है, यू नो आप कट कर दो इसे, कट कर दो। अंधेरों से था मेरा रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया, अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, और पाया है खुद को बेगानाया। मैं अधूरा जी रहा हूँ, खुद पर ही एक सजा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। You can see me and his name is John C. एक चीज थी हमारे मन में जो हम आपसे यू नो शेयर करना चाहते थे। Spotify वालों क्या दिक्कत है तुम्हें? Moonlight was perfect, dinner table was also ready, मेरा मूड सेट हो रखा था, तभी एक एड बजता है, सारे मूड का सर्वनाश हो गया। ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ने तो प्रीमियम ज्वाइन कर लिया है, वो तो वहाँ पे बहुत अच्छे से गाने सुन रहे हैं और आप यहाँ बैठ के मेरे गाने सुन रहे हो। वैसे भी मेरी सुनता कौन है आपके बजाय, मतलब
बंदू को मेंटली टॉर्चर कर देते हैं यार। प्रीमियम लो 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 आज ही लो। तुम बताओ मैं क्यों लूं प्रीमियम है? नहीं, सुबह 5 मिनट नहाते समय वहीं पे अपना सारा म्यूजिशियन सिंगर सब कुछ निकल जाता है, उसके बाद तो मैं स्पॉटिफाई देखता तक नहीं हूँ। नहीं तुम ही बताओ ना, नहीं काहे लूं मैं, नहीं काहे। Part of me wants to stay forever. Part of me is afraid to get hurt. Love always made a mess of me. Broken heart got the best of me. But with you, I am high. I'm alive, and it feels like paradise. It feels like paradise. Ooh. And it feels like paradise. आज एक सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों हो नीट एस्पिरेंट? आपको क्यों बनना है डॉक्टर? बचपन से आपका गोल था कि यार नहीं, बचपन से कि यार डॉक्टर बनना है, या फिर ऐसा हुआ कि सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है कि यार पेरेंट्स मैथ्स लिए तो इंजीनियर है ना, बायो लिए तो डॉक्टर, कॉमर्स लिए तो CA। देखो मैं अपना बताऊँ तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगा, अभी इतने सारे लोग दोस्त लोग देख रहे हैं तो मैं अपने आप को पूरा करेक्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, तो मैं सीधा बता दूँ कि मैं नहीं बनना चाहता था बचपन से डॉक्टर, मेरा कुछ ऐसा सीन नहीं था, और बनना है तो डॉक्टर ही बनना है ज़िंदगी में, वरना कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। 11th में बायो ले ली एंड मैथ्स नहीं आती थी, सच बताऊँ तो मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने 2 बार NCERT रिवाइज़ करी थी, 2 बार मतलब पूरी NCERT करी थी मैथ्स की, मैंने बोर्ड्स के लिए दिन रात पढ़ा था बहुत भयंकर वाला, तब भी मेरे 100 में से 67 या 50 इतने मार्क्स आए थे, वो अलग बात है वो कंप्यूटर से रिप्लेस हो गए थे, एंड एंड में मेरी परसेंटेज 90% हो गई थी, तो इसलिए मैंने बायो ले ली। फिर 12th में मुझे पता चला कि यार ये तो नीट वीट भी होता है कुछ, फिर नीट देना चाहिए, हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि यार बायो है तो डॉक्टर ही है, तो उस हिसाब से सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पेरेंट्स की उसके हिसाब से हमने चूज़ कर लिया कि नहीं अब तो हमारा गोल यही है डॉक्टर ही बनना है। तो अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो गोल है वो हमने सेट नहीं किया था, वो एक एक्सटर्नल उससे आया हमारा गोल है ना, मतलब मेरा तो यही है कि मेरा तो इतने में ही है, पर अब गोल सेट कर लिया है एंड ठीक है देखते क्या होता है। बट मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका क्या था, आप बचपन से करना चाहते थे या फिर सोसाइटी की वजह से एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एंड या ये सोचा आपने और क्या ही करना है बायो लेके, है ना डॉक्टर ही बन जाते हैं। तो गाइस इतना ही था आज की वीडियो में, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको, नहीं पसंद आई तो भाड़ में जाओ, मजाक करो ठीक है, कोई भाड़ में नहीं जाएगा, सबसे पहले मैं देख के आऊंगा, देखूंगा जगह कैसी है, ठीक है नहीं है, एंड जगह ठीक लगी तो मिलके पार्टी करेंगे बैंकर की, है ना। और क्या ही ज्ञान फैलना, मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, आप मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आज के जनरेशन के बच्चे तो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए गाइस पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, ला 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 ला।